माइंड में एक चल रहा था कि अपना बिजनेस करना है। जब आप इतने क्वालिफाइड हैं और आप सक्षम हैं किसी काम को करने के लिए, तो अपना बिजनेस भी करना चाहिए ताकि चार लोगों को और प्लेसमेंट भी दे सके। मैंने जो चूज किया ITI कोर्स को चूज किया बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है और वैल्यू भी है इसकी, सर्टिफिकेशन की भी। मॉर्निंग में मैं जॉब करता था, देन इवनिंग में सेकेंड शिफ्ट में मैं ITI मैंने ज्वाइन किया कंप्यूटर ट्रेड में, कोपा ट्रेड। तो उसके बाद ये हुआ कि ITI करते करते मेरे माइंड में आया कि मैं भी अपना एक ITI स्टैब्लिश करूंगा, और फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे। आज अपना ITI हमने स्टैब्लिश किया। मेरा नाम राशि शर्मा है और मैं यहाँ ICT ITI साहिबाबाद गाजियाबाद में मैनेजर हूँ और एडमिनिस्टर का काम देखती हूँ। हमारे भारत सरकार ने जो अलग से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनाया है, उसका मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से हमारी जो युवाएं पीढ़ी हैं उनका विकास हुआ है, उनको मदद मिली है। मेरा नाम निशा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने अपने बेटे को इसी संस्थान से ITI करवाया है और इस समय वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जॉब कर रहा है। उसको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए मैंने इस ITI संस्थान को ज्वाइन किया है। मेरा नाम हिमांशु है और मैंने ITI का कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, आगे मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ जिससे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूँ और जिससे देश की तरक्की हो। एजुकेशन का मतलब उसको ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब कि जब वो हमारे यहाँ से बन के बाहर निकले तो उसको जॉब लेने में प्रॉब्लम ना हो, प्लस जॉब के साथ साथ उसको अपना काम करने में प्रॉब्लम ना हो। और मेन फोकस हमारा यही है कि हम ITI के बच्चों को IITs के बराबर लेके आए।